नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका न्यूज 47 में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बॉलीवुड में एक के बाद एक बच रही है शादी की शहनाइयां, तो आइए जानते हैं अब किसकी है बारी। बॉलीवुड के जाने माने सिंगर यानी कि आदित्य नारायण ने अपनी शादी को लेकर कर दिया है खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आदित्य नारायण जिन्होंने हाल ही में बैंक्रप्ट होने पर काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोरी थी, उसके बाद से एक बहुत सारी अफवाहें भी फैली, लेकिन अब खुद आदित्य ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो श्वेता अग्रवाल से शादी करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर आदित्य ने खुद एक पिक पोस्ट करते इस बात का खुलासा किया कि वे जल्द श्वेता अग्रवाल से शादी करने जा रहे हैं। बता दें कि आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल 2010 में शापित फिल्म के सेट पर मिले थे। विक्रम भट्ट की इस मूवी में ये दोनों को एक्टर थे और उसी मूवी से आदित्य और श्वेता ने डेब्यू भी किया था। आदित्य ने इस बात का भी खुलासा किया कि उनके माता पिता यानी कि उदित नारायण और दीपा नारायण श्वेता को बेहद पसंद करते हैं। आदित्य ने अपनी खुशी जाहिर कर बताया कि वह खुद को बहुत लकी मानते हैं कि श्वेता उनकी लाइफ का हिस्सा है। इस साल की शुरुआत में सिंगर आदित्य नारायण और नेहा कक्कड़ की शादी की काफी अफवाहें भी फैली थी, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि ये इंडियन आइडल के वैलेंटाइन डे स्पेशल के लिए एक प्रोमोशनल मूव था, जिसमें आदित्य होस्ट के रूप में और नेहा कक्कड़ जज के रूप में दिखाई दिए। आदित्य ने रामलीला जैसी हिट मूवीज में भी गाने गाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन आइडल, राइजिंग स्टार, सारे गम्मापा जैसे कई रियलिटी शोज में होस्टिंग भी की है। वहीं दूसरी ओर श्वेता अग्रवाल बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। सोशल मीडिया पर आदित्य ने बहुत पुरानी पिक पोस्ट की जिसमें श्वेता येलो कलर की ड्रेस में नजर आई। ये पिक उस वक्त की है जब ये दोनों शापित फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इंस्टाग्राम कैप्शन के जरिए फैंस को उन्होंने ये बता दिया कि ये दोनों दिसंबर में शादी के बंधन में बंधेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को काफ़ी प्राइवेट टाइप का इंसान बताया है, जो कि अपनी पर्सनल लाइफ को अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि शादी की तैयारियों के लिए ये सोशल मीडिया से कुछ टाइम के लिए अलविदा ले रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने पीएस डालते हुए लिखा, कहा था ना कभी तो मिलोगे कहीं पे। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन उन्होंने अपने सोलमेट यानी श्वेता को डेडिकेट करते हुए लिखा है, जो कि उनकी फिल्म शापित का एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है। वेल, आप लोग इनकी शादी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 47।